एक रनवे पर एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और कुछ पुलिस वाले उसे शूट कर रहे हैं। प्लेन के अंदर फ्रैंकलिन जानता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है और उसे उसकी लाइफ के फ्लैशबैक्स नजर आ रहे हैं। फ्रैंकलिन रेमेडी नाम का एक टेक ब्लॉगर है और हेल्दी कैसे रहा जाता है लोगों को ये सिखाता है। उसके बराबर में है सिग, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक जिसने हाल ही में एक नशीली दवाई लॉन्च की है जिसकी लत से अब तक हजारों लोग मर चुके हैं। आज से 3 महीने पहले फ्रैंकलिन एक खास इवेंट में टिकट चेकर की जॉब ले लेता है क्योंकि उसे एंटोन से मिलना था जो कि एक हेल्थ एंड टेक गुरु है। वो आजकल लोगों को इतना हेल्दी बनाना चाहता है कि उन्हें जिंदगी में कभी किसी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली फ्रैंकलिन अपनी जॉब पर आने में लेट हो जाता है इसलिए उसे फुल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती कि कैसे लोगों की टिकट यानी कि ट्राई बैंड को स्कैन करना है। जब फ्रैंकलिन स्कैन करते हुए गलती करता है तो उसका बॉस उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसकी साथी जाला उसे कहती है, कोई बात नहीं, बॉस की बात का बुरा मत मानो। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फ्रैंकलिन उससे उसका नंबर मांगता है पर वो नंबर देने की जगह उसके फोन में अलार्म लगा देती है कि जब ये बजे मुझसे मिलने आना। इसके बाद फ्रैंकलिन बाथरूम जाता है और एंडी से मिलता है जिसने एक ट्राई बैंड को हैक कर दिया था ताकि फ्रैंकलिन उसे पहनकर अंदर प्रेजेंटेशन देख सके। अपना ट्राई बैंड स्कैन करा के फ्रैंकलिन बैक डोर से एंटोन से मिलने चला जाता है जहां एंटोन अपने मिस्टीरियस असिस्टेंट इंग्राम के साथ तभी वहां पहुंचा था। फ्रैंकलिन पर्दे के पीछे छुपता है मगर एंटोन उसे ढूंढ लेता है और पूछता है, कौन हो तुम? इसके बाद एंटोन जब अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था, फ्रैंकलिन उसके हाथ में एक अनोखी रिंग को देखता है। एंटोन कहता है, ये ट्राई बैंड तुम्हारा नहीं है मगर मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, तुम आराम से शो एंजॉय करो। इसके बाद एंटोन स्टेज पर जाता है जहां सभी दर्शक उसका जोरदार स्वागत करते हैं सिवाय दो लोगों के, रेने और कैलवर्ट। ये बहुत सीरियस नजर आ रहे थे। एंटोन ट्राई बैंड का जिक्र करते हुए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। ये ट्राई बैंड एंटोन ने ही बनाए हैं। इसे पहनने वाले का ये DNA डिकोड कर लेते हैं और उसके लिए स्पेशल हेल्थ प्लान बना देते हैं और साथ ही साथ अलर्ट्स और रिमाइंडर्स भी देते हैं कि कब क्या खाना है और क्या एक्सरसाइज करनी है। आज एंटोन एक और बड़ी अनाउंसमेंट करता है, उसने ट्राई बैंड 5 बना दिया है जिससे पहनने वाले यूजर को किसी दवाई की नीड नहीं पड़ेगी जैसे डायबिटीज की दवाइयां। तो साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज की लत है तो इसे पहनकर वो भी छूट जाएगी। इसी दौरान बैकस्टेज डोर पर एक गार्ड दूसरे गार्ड को टीजर गन से बेहोश कर देता है और स्टेज की तरफ बढ़ते हुए फ्रैंकलिन से टकरा जाता है। इसके बाद हवा में गोली चलाकर वो कहता है, एंटोनी की कंपनी सबको अपने वश में कर रही है। तभी फ्रैंकलिन उसे एक टेबल से टक्कर मारता है जिसके बाद दूसरे गार्ड्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। रेने और कैलवर्ट ये देखकर नाखुश थे पर एंटोन फ्रैंकलिन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगा। जाने से पहले एंटोन फ्रैंकलिन को कहता है, अपना हाथ देखो कितना खून बह रहा है। इसके बाद फ्रैंकलिन के हाथ पर पट्टी बांधी जाती है और सिक्योरिटी हेड उसके ट्राई बैंड को एविडेंस के तौर पर ले लेता है। सिक्योरिटी हेड के जाते ही फ्रैंकलिन की नजर जमीन पर पड़ी एंटोन की रिंग पर पड़ती है। वो उसे उठा लेता है। तभी उसके फोन में जाला का लगाया हुआ अलार्म बजने लगता है। रिंग को गौर से देखने के बाद फ्रैंकलिन उसके पत्थर को छूता है और तभी वो वक्त में 57 सेकंड्स पीछे चला जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर सेम बात बोलता है जो उसने पहले बोली थी। बेसिकली फ्रैंकलिन ने आखिरी 57 सेकंड्स को 2 बार जिया। ये सब देख के वो घबरा जाता है और अपनी रिंग को बैंडेज से कवर करके जाला से मिलने चला जाता है। जाला का इंतजार करते हुए जो वेट्रेस वहां आती है वो रिंग को टच कर देती है जिससे सारी दुनिया 57 सेकंड्स पीछे चली जाती है। थोड़ी देर में वहां जाला आ जाती है और फिर वो किसी अच्छी जगह जाने का डिसाइड करते हैं। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत गहरी हो जाती है और फ्रैंकलिन को पता चलता है जाला एक आर्टिस्ट है। फ्रैंकलिन उसे बताता है कि मैं न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखता हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी का हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। अचानक से जाला उसे किस कर देती है और अगले सीन में वो फ्रैंकलिन के अपार्टमेंट में नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद जाला को क्लोजेट में लेडीज पर्स नजर आता है। उसे लगता है ये फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड का है इसलिए वो नाराज होकर वहां से जाने का डिसाइड करती है। तभी फ्रैंकलिन अपनी रिंग की मदद से 57 सेकंड्स पीछे जाकर जाला के देखने से पहले क्लोजेट को बंद कर देता है। लेकिन इस बार वो एक लड़की की पिक्चर देख लेती है और फिर से वहां से जाने का मन बना लेती है। फ्रैंकलिन फिर से समय में वापस जाकर पिक्चर और पर्स दोनों को छुपा देता है और ऐसे ही
जब जब कोई गड़बड़ हो रही थी फ्रैंकलिन रिंग का यूज करके सब कुछ ठीक करता रहा। अगली सुबह रेने और कैलवर्ट अपने बॉस सिग से मिलने जाते हैं, जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। वो कहता है, मुझे लगता है एंटोन पर हुआ अटैक सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। तुम दोनों इस फ्रैंकलिन नाम के बंदे पर नजर रखो। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन और जाला ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी फ्रैंकलिन की कार टो हो जाती है और कैलवर्ट छुपकर सब देख रहा था। फ्रैंकलिन रिंग भी यूज करता है, मगर रिंग 57 सेकंड ही पीछे ले जा सकती है, इसलिए वो अपनी कार टो होने से नहीं बचा पाता। अब उसे पैसों की जरूरत थी अपनी कार को छुड़ाने के लिए, इसलिए वो एक कैसीनो में जाकर अपनी रिंग यूज करके हर बाजी जीत जाता है। देखते ही देखते उसने बहुत सारे पैसे बना लिए थे और सभी उसकी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। कैलवर्ट ये सब देखकर बहुत हैरान था। जीते हुए पैसों से फ्रैंकलिन एक न्यू स्पोर्ट्स कार ले लेता है और फिर से कैसीनो जाके और पैसे जीत लेता है। मगर जब वो कैसीनो से बाहर आ रहा था, कैसीनो का कोई स्टाफ उस पर अटैक कर देता है। फ्रैंकलिन टाइम में वापस जाके वहां से चोरी छिपे निकलने की कोशिश करता है और तो और पीछे पैसे भी उड़ा देता है, मगर हर बार पार्किंग लॉट में एक बंदा उसे पीट ही देता है। कैसीनो वालों को लगता है फ्रैंकलिन कोई चीटिंग कर रहा है और वो उससे उगलवाने के लिए उसे पीट रहे थे, मगर फ्रैंकलिन कहता है, अरे मेरी बस किस्मत अच्छी थी। इसी बीच कैलवर्ट वहां आ जाता है, इसलिए वो लोग फ्रैंकलिन को मारना बंद कर देते हैं और कहते हैं यहाँ दोबारा नजर मत आना। इसके बाद कैलवर्ट फ्रैंकलिन को लंच पर लेकर जाता है और उससे प्यार से उगलवाने की कोशिश करता है कि उसने कैसीनो में सारी बाजियां जीती कैसे, मगर फ्रैंकलिन कहता है, अरे यार बस किस्मत की बात है। इसके बाद कैलवर्ट फ्रैंकलिन को सलाह देता है, तुम्हें मेरे बॉस सिग से मिलना चाहिए, मगर फ्रैंकलिन मना कर देता है क्योंकि वो जानता था सिग की कंपनी नशीली दवाएं बनाती है। कैलवर्ट फिर भी उसे अपना कार्ड दे देता है। कुछ देर बाद जाला फ्रैंकलिन से मिलने आती है, जो कि अपार्टमेंट की न्यू लुक देखकर बहुत खुश थी। जब वो फ्रैंकलिन का लैपटॉप यूज करती है, उसे वहां एक लड़की का वॉलपेपर मिलता है और इस बार फ्रैंकलिन उसे सच बता ही देता है। वो कहता है, ये मेरी जुड़वा बहन की पिक्चर है जिसका 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके इलाज के लिए सिक की कंपनी की मेडिसिन दी गई जो कि नशीली थी, इसलिए मेरी बहन को उनकी लत लग गई। फ्रैंकलिन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में तो अपना असली नाम यूज करता है, मगर ब्लॉगिंग में वो फेक नाम रेमेडी यूज करता है और अपनी ब्लॉगिंग में सिक्के जैसी ईविल कंपनीज का पर्दाफाश करता है। जाला कहती है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं तुम्हारा सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद फ्रैंकलिन जाला को पेंटिंग करने के लिए कुछ महंगे गिफ्ट्स देता है। इसके बाद वो दोनों फ्रैंकलिन की न्यू कार में ड्राइव पर निकलने वाले थे, तभी फ्रैंकलिन को एंटोन की कॉल आती है। एंटोन कहता है, मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ और मैंने इंग्राम को भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। एंटोन अपने ऑफिस में फ्रैंकलिन को 2 ट्राई बैंड्स देता है, एक उसके लिए और एक जाला के लिए। वो कहता है, मैं चाहता हूँ सिर्फ बीमारियां ना खत्म हो बल्कि दुनिया में कोई एक्सीडेंट भी ना हुआ करे और इसके लिए मुझे क्वांटम पार्टिकल्स की नीड है। इंटरव्यू एंड करते समय एंटोन कहता है, फ्रैंकलिन तुम अच्छे इंसान हो और हमेशा ऐसे ही रहना। शाम को फ्रैंकलिन सोचता है कि शायद मुझे सिग से मिल लेना चाहिए ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। जाला कहती है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगली सुबह कैलवर्ट फ्रैंकलिन को सिग से मिलवाता है। फ्रैंकलिन उससे मिलते ही अपनी बहन को याद करके उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और फिर टाइम में पीछे जाके सिग से पूरी इज्जत के साथ पेश आता है। कैलवर्ट ने सिग को फ्रैंकलिन के लक के बारे में सब कुछ बता रखा था, इसलिए सिग फ्रैंकलिन को आजमाने के लिए कहता है, अगर तुमने बता दिया कि सीटी बजने के बाद क्या होगा तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा हर उस आर्टिकल के बारे में जो तुमने मेरी कंपनी के लिए लिखा है, और अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें अपने आधे रेट्स में मेरे लिए 5 आर्टिकल्स लिखने होंगे। फ्रैंकलिन गेस करता है कि एक कुत्ता यहाँ पर आएगा, पर सीटी बजने के बाद सिक की एक मॉडल उसे किस करके उसको मसाज देने लगती है। तभी फ्रैंकलिन टाइम में पीछे जाके सही गेस कर देता है और वो अपनी शर्त जीत जाता है। जब फ्रैंकलिन वहां से चला जाता है, सिक कहता है, इसके पीछे जरूर एंटोन का हाथ है, इसलिए वो फ्रैंकलिन पर और कड़ी नजर रखने को कहता है। रात को जाला फ्रैंकलिन को कहती है कि तुम अपने आदर्शों के खिलाफ जा रहे हो अगर तुमने अपने आर्टिकल्स में सिक की तारीफ की। फ्रैंकलिन कहता है, मैं ये सब सिक के करीब जाने के लिए कर रहा हूँ ताकि उसका विश्वास जीत के उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूँ।
और मिलने वाले पैसों से हमारी जिंदगी और बेहतर होगी। इसके बाद फ्रैंकलिन एक रिंग निकालकर जाला को प्रपोज कर देता है। अगली सुबह फ्रैंकलिन सिक को सलाह देता है कि अपनी कंपनी की रिब्रांडिंग करो। वैसे उसने ये सलाह इसलिए दी ताकि उसे झूठी तारीफ के आर्टिकल्स ना लिखने पड़े। सिक को ये आइडिया पसंद आता है और वो फ्रैंकलिन को काम करने के लिए अपने ही घर में एक ऑफिस दे देता है। जब फ्रैंकलिन अकेला होता है, सिक की एक मॉडल उसे रिझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसे कहता है मैं इंगेज्ड हूँ। सिक ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो तो फ्रैंकलिन को ब्लैकमेल करना चाहता था। फिर वो रेने और कैलवर्ट को कहता है कि पता लगाओ इस फ्रैंकलिन का क्या राज है। बहुत जल्दी फ्रैंकलिन और जाला अपने नए आलिशान घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सिक इन दोनों को अपने प्राइवेट प्लेन में मायामी की ट्रिप के लिए इनवाइट करता है, मगर उनके ट्राइबैंड्स को उतारने के लिए कहता है। बोलता है ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ना कहीं एंटोन फ्रैंकलिन की ट्राइबैंड के जरिए मदद करता है। वो लोग कैसीनो में जाते हैं और फ्रैंकलिन अपनी रिंग यूज करके हर बाजी जीतता रहता है। रेने जाला से बॉन्डिंग बनाती है ये सोचकर कि कुछ पता चल जाए, लेकिन जाला को तो खुद ही कुछ नहीं पता था। बाद में फ्रैंकलिन और जाला डांस कर रहे थे और फ्रैंकलिन शॉक्ड था कि इनग्राम उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए वो अपनी रिंग को पॉकेट में छुपा लेता है। कुछ देर बाद जब वो ड्रिंक कर रहे थे, वहां एक आदमी आके अंधाधुंध लोगों को शूट करने लगता है और जाला को भी शूट कर देता है। तभी फ्रैंकलिन रिंग यूज करके, जैसे ही वो आदमी दोबारा वहां आता है, फ्रैंकलिन उसे एक बोतल से मारकर बेहोश कर देता है। न्यूज चैनल्स पे फ्रैंकलिन को हीरो की तरह दिखाया जाता है। अगले सीन में जाला फ्रैंकलिन को अपना आने वाला आर्ट एग्जीबिशन याद दिलाती है और कहती है तुम भूल मत जाना। वो कहता है मैं नहीं भूलूंगा। न्यूज पर अटैकर की आइडेंटिटी दिखाई जाती है। फ्रैंकलिन कहता है मैं जानता हूँ इसे। इसकी वाइफ सिक के यहाँ काम करती थी और एक दिन अपने ऑफिस में मरी मिलती है और किसी भी न्यूज़पेपर में ये खबर तक नहीं छपी थी। गिरफ्तार होते हुए अटैकर कहता है सिक की कंपनी की जांच होनी चाहिए, ये लोग हत्यारे हैं। अगले दिन फ्रैंकलिन रहने से उस अटैकर की वाइफ की फाइल मांगता है। वो उसे दे तो देती है, पर तभी जाके सिक को बता देती है। कैलवर्ट कहता है ये फ्रैंकलिन जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं, ये जो अटैक हुआ है इसमें भी शायद इसी की कोई चाल है। फ्रैंकलिन की हेल्प का नाटक करते हुए सिग उसे एक फाइल देता है और फिर उसे अपने साथ लेकर शहर के बाहर एक बार में आ जाता है और कुछ ड्रिंक्स के बाद वो फ्रैंकलिन को अपनी रेड फरारी गिफ्ट कर देता है और इसके साथ साथ वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ फ्रैंकलिन के नशे में होने की वजह से उसके साथ फिजिकल होने लगती हैं और सिग ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। आधी रात को जाके फ्रैंकलिन को होश आता है और वो अपनी न्यू कार लेके फौरन घर पहुंचता है जहां एंटोन उसका पहले से इंतजार कर रहा था। एंटोन फ्रैंकलिन को कहता है कि मुझे तुम्हारा सिग के साथ काम करना कुछ अच्छा नहीं लगा और ये कह के वो वहां से चला जाता है। जाला फ्रैंकलिन से गुस्सा थी क्योंकि उसने उसके याद दिलाने के बाद भी आर्ट इवेंट मिस कर दिया था और साथ ही साथ इतनी रात को नशे की हालत में आया है। वो कहता है मेरी जॉब में ऐसा ही होगा और तुम भी तो इस नौकरी से मिलने वाले पैसों पे ऐश कर रही हो। इसी बात पर गुस्सा होकर जाला वहां से जाने लगती है। फ्रैंकलिन उसे रोकने की कोशिश करता है और गलती से दोनों पूल में गिर जाते हैं। फ्रैंकलिन रिंग यूज करके टाइम में पीछे चला जाता है और जाला कहती है कि मैंने अभी कुछ अजीब सा देखा। यहां हमें पता चलता है कि अगर किसी ने रिंग को छू रखा हो तो वो भी अपनी जी हुई 57 सेकंड्स याद रखेगा। फ्रैंकलिन जाला को रिंग की सच्चाई बता देता है। जाला को ऐसा लगता है कि फ्रैंकलिन ने उसे चीट किया है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहां से चली जाती है। फ्रैंकलिन डिसाइड करता है अब सब खत्म करने का टाइम आ गया है। अगली सुबह वो एक गन लेके रहने को कहता है सेफ का पासवर्ड बताओ। वो चीखने लगती है। फ्रैंकलिन टाइम में पीछे जाता है और दोबारा से ट्राई करता है और इस बार वो गलती से टेबल पर रखी किसी चीज से खुद को चोट मार लेता है और तभी उसकी गन चल जाती है और रेने वहीं मारी जाती है। फिर से टाइम में वापस जाकर उसका मुंह बंद करके उसे पासवर्ड लिखने को कहता है और वो भी डर के मारे पासवर्ड लिख देती है। मगर फिर से टाइम रिवाइंड करके जब फ्रैंकलिन वो पासवर्ड डालता है वो गलत निकलता है। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होके वो इस बार रेने के पैर पर शूट कर देता है और उसका मुंह बंद करके फिर से पासवर्ड लिखने को कहता है और इस बार वो सही पासवर्ड लिखती है। फिर से टाइम में वापस जाके वो रहने को कहता है
आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट तक रुकूंगा। जब रेने घर चली जाती है, फ्रैंकलिन सेफ खोलकर सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। घर जाके फ्रैंकलिन अपने हैकर दोस्त एंडी को कहता है, मेरे पास सिक के खिलाफ सबूत हैं। तुम्हें उन्हें आने वाले बास्केटबॉल मैच के दौरान सारी दुनिया को दिखाना है। एंडी कहता है, इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। फ्रैंकलिन उसके बैंक अकाउंट में कई करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है और एंडी खुशी खुशी में मान जाता है। अगले दिन फ्रैंकलिन जाला को कॉल ट्राई करते करते शहर छोड़कर जा रहा था। जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, एंडी ने सिक के खिलाफ सबूत ब्रॉडकास्ट कर दिए। वीडियो में कैलवर्ट उस पार्टी वाले अटैकर की वाइफ को जान से मारते हुए नजर आता है, क्योंकि उसे सिक की कंपनी की नशीली दवा की सच्चाई पता थी। फ्रैंकलिन अपनी कार की तरफ जा रहा था, तभी उसे कोई किसी चीज से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद फ्रैंकलिन को एक एयरपोर्ट पर होश आता है, जहां कुछ गार्ड्स उसे एक प्राइवेट प्लेन की तरफ ले जा रहे थे। और सिग फ्रैंकलिन को कहता है, सबको कहो कि वो वीडियो फेक है। फ्रैंकलिन मना कर देता है, तभी पता लगता है जाला को भी सिग ने किडनैप कर लिया था। जाला कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। फ्रैंकलिन उसे बोलता है, मेरी रिंग को टच करो, और फिर जाला मौका देख के वहां से भाग जाती है। फ्रैंकलिन को प्लेन में बिठाकर वो लोग टेक ऑफ कर जाते हैं, मगर एक पुलिस वाले की गोली प्लेन के इंजन में लग जाती है। पायलट कहता है, हमें लैंड करना चाहिए। सिक कहता है, नहीं, तुम उड़ते रहो। फ्रैंकलिन सोचता है, इस रिंग का अब क्या करूं। तभी सिग उसे छू लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि इस रिंग की क्या पावर्स हैं। वो बार बार रिंग को छूने लगता है, ये सोचकर कि टाइम में बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये तो सिर्फ 57 सेकंड पीछे जाती थी ना। फ्रैंकलिन हंसने लगता है, कहता है, मैं खुश हूँ, तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। और कुछ ही पल में प्लेन क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस और जाला प्लेन क्रैश की जगह पर आ जाते हैं। रेने, कैलवर्ट और फ्रैंकलिन जख्मी हालत में प्लेन से बाहर आ रहे थे, मगर सिक के साथ प्लेन एक्सप्लोड हो जाता है। तभी वहां एंटोन आ जाता है और फ्रैंकलिन को बताता है, इंग्राम ने जानबूझकर तुम्हें वो रिंग दी थी, क्योंकि तुम एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थे इस रिंग को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पता चलता है एंटोन की बनाई ये रिंग क्वांटम क्रिस्टल से बनी है, और फिर वो फ्रैंकलिन को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है, मगर फ्रैंकलिन मना कर देता है। बोलता है, ये रिंग भी एक नशा है और उतना ही बुरा है जैसे सिक की दवाइयां थी। एंटोन रिंग वापस मांगता है, पर फ्रैंकलिन उसे गिराकर किसी चीज से मारकर तोड़ देता है। इंग्राम किसी तरह की कैलकुलेशन करने लगता है और एंटोन कहता है, मैं अभी भी चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फ्रैंकलिन फिर से कहता है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता, और अपने ट्राई बैंड्स को वापस देकर वो वहां से जाला का हाथ पकड़कर चला जाता है। अगर आपको ये रिंग मिल जाती तो आप इसका कैसे यूज करते, मुझे एक कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।